नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडी आई क्रिकेटिंग स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, आज उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो है धरना प्रदर्शन किया गया। कहाँ पर दोस्तों? RSMSSB के अंदर जो है धरना किया गया है। उसके बाद जो है वहाँ पर चेयरमैन जो आपके हरिप्रसाद शर्मा जी है वो हरकत में आए और उन्होंने यहाँ पर एक बयान दिया है। वो सारी जानकारी आपको बताऊँगा। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट है। और उपेंद्र यादव जी ने जो है मांग रखी है कि इस परीक्षा को कब करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, किस प्रकार करवाना चाहिए, ये सारी जानकारी उन्होंने उनको बताई है। और देखिएगा दोस्तों, बेरोजगारों का दर्द तो अभी हाल ही की खबर है। यहाँ पर देखिएगा, रेडियोग्राफर, ECG, लैब टेक्नीशियन भर्तियों का परिणाम जारी करवाने, पटवारी भर्ती की परीक्षा तिथि जारी करवाने की मांग को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। चेयरमैन ने कहा कि रेडियोग्राफर ECG भर्ती का परिणाम जल्द जारी होगा और पटवारी की परीक्षा के लिए भी कहा कमेटी की। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सारी जानकारी आप देख सकते हो। यहाँ आपकी आज ही की अपडेट है, ये सारी जानकारी आप देख सकते हो। यहाँ पर कब की है देख सकते हो, 1:11:16 की है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्या अपडेट है पूरी देखिएगा, रिपोर्ट आने के बाद ही परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। तो यहाँ पर RSMSSB के जो चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा जी, उनका कहना है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम जो है परीक्षा तिथि की घोषणा करेंगे। पहले पटवारी परीक्षा जुलाई अगस्त में होनी प्रस्तावित थी, लेकिन कमेटी या नया पैटर्न लागू करती है तो जुलाई अगस्त में भी पटवारी परीक्षा आयोजित नहीं होगी। यानी कि नया पैटर्न का मतलब होता है CET। CET लागू होगा तो आपकी जुलाई अगस्त में भी पटवारी की एग्जाम नहीं होगी। विद्यार्थी असमंजस में है कि क्या कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, इसको CET के अंदर लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। जुलाई अगस्त के बाद भी पटवारी परीक्षा होगी। कब होगी? जुलाई अगस्त के बाद ही पटवारी आयोजित होगी। ये महत्वपूर्ण अपडेट है, आप देख सकते हो यहाँ की इस वक्त की। जब बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउनट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी और अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या Class 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनट ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, PGS, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनट पर। साथ ही डाउनट पर पढ़िएगा कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउनट ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। एक खबर है यहाँ पर देख सकते हो क्या है, और देखिएगा इन्होंने एक और कमेंट किया है, ट्वीट किया है अभी हाल ही में। मान्य अशोक गहलोत जी, प्रदेश के 15 लाख बेरोजगार जुलाई अगस्त में पटवारी परीक्षा चाहते हैं। यदि नया पैटर्न लागू होता है तो परीक्षा लेट होगी, जो बेरोजगारों के साथ बड़ा अन्याय होगा। आप जल्दी से जल्दी एक ही परीक्षा के माध्यम से पटवारी की जो है परीक्षा तिथि जारी करके बेरोजगारों के साथ न्याय प्रदान करें। तो यहाँ पर इनकी उन्होंने मांग रखी है। और देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के बेरोजगारों का हालत ये देखो, गांव में जा रहे हैं दोस्तों, अपने जो है सब कुछ समेट के गांव में निकल पड़े हैं बेरोजगार, क्योंकि अब कोरोना का यहाँ पर मार पड़ी हुई है इनके ऊपर। तो देख सकते हो बेरोजगारी के साथ कोरोना का खौफ जारी। कल से ही युवा बेरोजगार जयपुर से गाँव की ओर लौट रहे हैं। बेरोजगारी और आर्थिक मजबूरी युवा बेरोजगारों को घर लौटने को कर रही मजबूरी, क्योंकि बेरोजगारों के पास ना तो पैसा है कि वो जयपुर में रह के पूरा खर्चा चला पाएँ, बेरोजगार जो है कम रूम का किराया दे पाएँ, इतना तो उनकी हालत नहीं है, क्योंकि वो भी एक किसान के पुत्र है। दोस्तों, आप भी सबसे ज़्यादा जो वीडियो देख रहे हो मेरी, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पुत्र हो या किसी मजदूर के हो। दोस्तों, मैं स्वयं जो है एक किसान का बेटा हूँ, तो मुझे पता है कितना दुख दर्द है, कितना दुख दर्द झेलना पड़ता है। अब मैं अपने मम्मी पापा कैसे वो पैसे देते हैं, कैसे उधार लेकर के अपनी पढ़ाई करवाते हैं, तो बहुत दुख दर्द है। तो इसी कारण जो है बेरोजगार अब घर की तरफ लौट रहे हैं कोरोना को देखते हुए। उनको आस है कि अब कुछ नहीं होने वाला, हम बेरोजगार हैं और बेरोजगार कब तक रहेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपके लिए है। और सभी की मांग है कि परीक्षा जो है अब जुलाई अगस्त में 100% हो जानी चाहिए। CET VET को छोड़ो, अब परीक्षा करवा दो। बस बेरोजगारों को एक ही बात की चिंता है कि परीक्षा करवा दो, आप दो जो है CET वगैरह जो है बाद में करवाते रहना जब आपका मन करे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये अपडेट थी आज की महत्वपूर्ण। दोस्तों, उपेंद्र यादव जी बहुत अच्छा काम करें, मेरी तरफ से भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और
ऐसे ही काम करते रहें, आशा करते हैं हम इनसे।